देश भर में मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के उत्तरायण होने के इस पर्व में प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की अगुवाई में ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। किन्नरों ने पूरे विधि विधान के साथ त्रिवेणी के तट पर स्नान करने के बाद धार्मिक अनुष्ठान किया और भगवान राम की आरती भी की। संगम तट पर माघ के महीने में लगने वाले आस्था के देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले को लेकर रामचरितमानस में दर्ज धार्मिक परंपरा का हिस्सा बनने किन्नर समुदाय भी सूर्य के उत्तरायण होने पर आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचे। मकर संक्रांति और खिचड़ी के पूरा देशवासियों को मेरा हार्दिक मंगलमय शुभकामना है। और आज हम लोग सभी किन्नर संत मिलके आज गंगा माँ का स्नान किया और गंगा माँ से यही कामना किया हमारा राष्ट्र का उन्नति हो, हमारा राष्ट्र का प्रगति हो। और जैसे हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ रही है, जैसे रामलाला का 500 वर्ष के बाद जो मंदिर स्थापित हो रही है और उनका भव्य दिव्य मंदिर बन रही है और एक टेंट की कुटिया से वो भव्य अपने मंदिर में प्रवेश कर रही है, ये सनातन धर्म का जीत है, ये सत्य का जीत है। इसी कामना के साथ आज हम लोग ने गंगा माँ से यही कामना किया, यही प्रार्थना किया कि गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमारे एक एक हमारे देशवासी का एक एक जन का कल्याण हो और हमारे राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे। और ये मकर संक्रांति में जो सूर्य भगवान का उपासना किया जाता है और सूर्य भगवान का हम लोग ने पूजा अर्चना किया, गंगा मैया के पूजा अर्चना किया, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इसी के दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। प्रयागराज के संगम तट पर माघ के महीने में लगने वाले माघ मेले की शुरुआत आज मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ हो गई है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में स्नान करने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में नर नारी के अलावा किन्नर भी इस बार मकर संक्रांति के पुण्य पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने माघ मेला पहुंचे हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी की अगुवाई में ट्रांसजेंडर ने भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज हम लोग ने भव्य और दिव्य तरीके से मकर संक्रांति का दिन स्नान किया और गंगा मैया से कामना किया, देशवासियों के लिए कामना किया और विश्व के कल्याण के लिए कामना किया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमेशा विश्व कल्याण का भाव के साथ आगे बढ़ती है, हमेशा वसुधैव कुटुंब के भाव के साथ आगे बढ़ती है, नारायण तो नारायणी के भाव के साथ आगे बढ़ती है। इसी भाव के साथ आज हम लोग ने पूजा अर्चना किया और विश्व के कल्याण किया और राष्ट्र की उन्नति की कामना की। रामलला ने जिस तरह से आप, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्द में इस चीज़ को हम वर्णन करूँ। गंगा मैया साक्षात आज गंगा मैया के दर्शन करने को हमको सौभाग्य मिला, ऐसे ही हमको हमारे रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका मैं साक्ष्य बनने जा रही हूँ, अपने नग्न आँखों से मैं उनका प्राण प्रतिष्ठा देखूँगी, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य के विषय है। और पूरा किन्नर समाज के मैं नेतृत्व करके जा रही हूँ तो पूरा किन्नर समाज वहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो मेरा पूरा किन्नर समाज रहेंगे। गंगा स्नान के बाद किन्नरों ने गंगा तट पर ही भगवान श्री राम की पूजा अर्चना का अनुष्ठान भी किया। भागीरथी के तट पर किन्नरों ने भगवान भास्कर की आरती की। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किन्नर समुदाय इस अवसर पर भगवान श्री राम की भक्ति में राममय नजर आ रहा है। जय हो।